नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में स्ट्रेस पर जी हाँ आज के आउटसोर्सिंग कच्चे खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई तो सबसे पहली खबर दोस्तों इस बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है उसमें एक यहाँ पर सवाल के जवाब में पंचायत मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी नहीं होंगे पक्के जी हाँ दोस्तों कांग्रेस विधायक इन यहाँ पर दोस्तों बलबीर वाल्मीकि जी ने जो है सवाल पूछा था और कहा था कि कच्चे कर्मचारी हैं जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनको पक्का किया जाए लेकिन यहाँ पर जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्के नहीं होंगे जबकि दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूछा उन्होंने कहा कि हुडा कार्यकाल में कितने पक्के हुए थे यानी कि यहाँ पर जो जजपा के जो विधायक हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर उन्होंने जो है इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और एकजुटता दिखाते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार में ही पक्के नहीं हुए तो आप यहाँ पर किस तरह से कह सकते हैं भाई दावा कर रहे हैं कि भी कांग्रेस सरकार में पक्के हुए थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा था कि जगवीर बाल्मीकि जी ने कहा था भाई दो हजार चौदह में उड़ा सरकार ने जिस तरह से पॉलिसी बनाकर कर्मचारी पक्के किए थे इसी तरह से कर्मचारियों को सपाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों जोसपा के विधायकों ने कहा कि जब आ, पॉलिसी जो जो हज़ार चौदह में लेकर आए थे तो उसमें भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया था तो अब यहाँ पर किस तरह से जो है मांग कर रही हैं तो इस तरह से यहाँ पर इस सवाल जवाब में यहाँ पर सारे का सारा मामला कर रह गया और स्पष्ट है यहाँ पर बोल दिया गया है सरकार के द्वारा कि इनके पास यानी कि सरकार के पास कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तो आप लोग देख पा रहे हैं भी सरकार कितना यहाँ पर संज्ञान ले रही है कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के मामले में तो इससे स्पष्ट है कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग उम्मीद ही आप लोगों की रहने वाली है हालांकि जैसा कि हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं वही हो सकता है कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाए लेकिन सरकार फिलहाल के लिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है बिवाणी से अपडेट देख लेते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर्मचारियों की मांगें सरकार के एजेंडे में नहीं है आज डीसी दफ्तरों का करेंगे घेराव जी हाँ दोस्तों वित्तीय वर्ष दो हज़ार में कर्मचारियों की प्रमुख मांगे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली ठेका कर्मचारियों को नियमित करने जैसी जो प्रमुख मांगे थी इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर ये आरोप लगाया गया है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा तो इसे नाराज होकर ये आज डीसी दफ्तरों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं कर्मचारी और ज्ञापन सौंपेंगे आज 27 फरवरी को राज्य भर में डीसी दफ्तरों पर प्रदर्शन किया जाएगा सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा इसमें यहाँ पर बताया है कि जो कर्मचारी हैं इनके विरोध के बावजूद भी कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया गया ठेका प्रथा दोस्तों का जो है समाप्त करने का दावा किया गया था अभी कौशल रोजगार निगम का गठन सिर्फ इसलिए किया गया लेकिन कौशल रोजगार निगम में आने के बाद भी समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा है ठेकेदार के पास भी समान काम समान वेतन नहीं मिलता था यहाँ पर भी यानी कि कौशल रोजगार निगम में भी समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा है ठेकेदार के पास भी सेवा सुरक्षा नहीं मिलती थी कर्मचारियों को कुछ रोजगार निगम में भी सेवा सुरक्षा नहीं मिल रही है तो इसे कर्मचारी जो है नाराज है और लगातार जो आवाज उठा रहे हैं भाई एक तो समय वेतन दिया जाए दूसरा सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए जो सबसे बड़ी मांग है भाई सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए नौकरी को सुरक्षा प्रदान की जाए यमुनानगर से देख लेते हैं अगली खबर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी धरने पर जी हाँ दोस्तों यमुनानगर में दोस्तों जो नगर निगम के दोनों ही इकाइयों में जहाँ पर यमुनानगर और जगाधरी के कर्मचारी बैठे हुए हैं अपनी एरियर की मांग को लेकर पिछले इक्यावन दिनों से धरनारत है आंदोलन दोस्तों बता दें आप लोगों को ये समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे तो समान काम समान वेतन इनको दे दिया गया पिछले आठ महीने से समान काम समान वेतन लागू हो चुका है यमुनानगर में लेकिन यहाँ पर इनका जो एरियर बनता था उसको जारी नहीं किया गया है उसी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले क्यावन दिन से और चाहते हैं कि जो है अधिकारी इन पर ध्यान दें और इनका जो एरियर है उसको जारी किया जाए और यहाँ पर नारायणगढ़ से भी अपडेट आ रही है सत्तर दिन का जो है इनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है सफाई कर्मचारियों का दोस्तों क्या है मामला आप लोगों को बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ठेकेदार का ठेका खत्म हो गया था लेकिन काम सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यहाँ पर जो है ठेकेदार तो अपना जो है फ्री हो गया वो चला गया अपना सारा सामान लेकर अपना टेंडर ख़त्म होने के बाद लेकिन जो चेयरमैन साहब है यहाँ पर उन्होंने सफाई कर्मचारी जो उस समय काम कर रहे थे ठेकेदार के अंडर में उनको जो है बोला कि आप लोग जो है काम करते रहिए आप लोगों को जो है मेहनताना दे दिया जाएगा जब तक कि भी नया कोई भी सोलूशन नहीं निकलता है यानी कि नया ठेका नहीं होता या फिर नए कर्मचारी नहीं आते जैसे अभी करके यानी कि वो कर्मचारी काम करते रहे ठीक है तो यहाँ पर अब जब चेयरमैन साहब के कहने पर जो है हाँ कर्मचारी काम करते रहे सारा सामान जो है ट्रैक्टर ट्रैली वगैरह उपलब्ध करवा दिया वही चेयरमैन साहब ने कर्मचारियों को तो उन्होंने काम किया बताया गया है चौदह सितम्बर दो से उन्नीस अक्टूबर दो तक तथा सत्ताईस अक्टूबर से उनतीस अक्टूबर दो तक कुल सत्तर दिन तक दोस्तों इन कर्मचारियों ने काम किया तो अब उस सत्तर दिन का यह मेहनताना मांग रहे हैं कर्मचारियों का आरोप है कि तो इन्हें तो सत्तर तो दिन का जो बकाया वो जारी किया जाए मात्र दो हजार रुपये देकर इनका जो है एक तरह से हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते जो है चेयरमैन साहब यमुनानगर से अपडेट देख लीजिए यहां पर ट्यूबल ऑपरेटरों को दो माह से नहीं मिला वेतन सीएम को जी है शिकायत जी हां दोस्तों जन स्वास्थ्य विभाग के ट्यूबवेल लो पर दोस्तों जो रखे गए हैं ऑपरेटर उनको दो महीने से वेतन नहीं मिला है बता दें दोस्तों आप लोगों को इन ऑपरेटरों को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखा गया है तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए ट्यूबवेल ऑपरेटरों को भी समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य विभाग नहीं यहाँ पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग है ये कह सकते हैं तो यहाँ पर कर्मचारी जो है परेशान है इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और चाहते हैं कि इनका जो वेतन रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए कर्मचारी अपने लगन और मेहनत से दोस्तों जो है काम कर रहे हैं लेकिन इतनी लगन और मेहनत से काम करने के बावजूद भी इनको जो है सैलरी न आने का जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है तो कर्मचारियों की आ, मांग है कि इनको समय पर वेतन जारी किया जाए गोहाना सोनीपत से अपडेट देख लीजिए यहाँ पर ईपीएफओ की समस्या समाधान शिविर आज तो दोस्तों आज सत्ताईस फरवरी को सोनीपत में टीआरडीपी हैप्पी वर्ल्ड मारियो बहालगढ़ में दोस्तों यहां पर जो है एक पीएफ जो संगठन के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें किसी भी कर्मचारी की अगर कोई भी समस्या है पीएफ से रिलेटेड तो वो इसमें जाकर समाधान करवा सकता है किसी भी प्रकार की हो सकती है पीएफ से रिलेटेड होनी चाहिए सीधा शिविर में डायरेक्ट आपका जो है समाधान करने की कोशिश की जाएगी हासी से अपडेट देख लीजिए निगम मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का धरना आठवें दिन भी जारी है जी हाँ कर्मचारियों के कामों को लेकर आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन जो वर्कर यूनियन है ये आठ दिन से धरनारत है दोस्तों बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों का आरोप सबसे बड़ा यही है कि जो है कर्मचारी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है उनके आश्वासन भी उनको दिए जाते हैं लेकिन काम का एक तरह से जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जाता है जो ये काम लेकर जाते हैं उसका सोल्यूशन नहीं किया जाता है तो कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और कहना है कि जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे तो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है अपडेट है भाई हार्ड्रोन के माध्यम से कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल की जिसमें पंचकूला चंडीगढ़ हैं इसमें सौ वैकेंसी हैं अम्बाला में दस हैं गुरुग्राम में दस है पलवल में दस है जींद में भी दस वैकेंसियाँ बताई जा रही हैं और उनतीस फरवरी यानी कि इस महीने की उनतीस तारीख से चौदह मार्च तक जो है इसके फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे हार्ट ट्रॉन की वेबसाइट पर आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा जब ये एक्टिवेट होगा तो अप्लाई वहाँ पर आप लोग कर पाएंगे तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की जो है आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच